अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ फैसल अय्यूब और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ब्रेन ट्रांसफॉर्मर। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर नंबर 6 फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स। आज जो टॉपिक मैं शुरू करने जा रहा हूँ वो है 6.7 और उस टॉपिक का नेम है ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन टू नंबर्स ए एंड बी, ये आप याद रख रहे हैं। अब क्या होगा, मैं ये कहता हूं कि जी इज सेड टू बी ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन ए एंड बी। इफ क्या हो, अगर ए जी और बी ये कहां स्विच कर जाएं, इन जी पी। अगर कोई नंबर जी है वो ए और बी के दरमियान ज्योमेट्रिक मीन बन रहा है तो ज्योमेट्रिक मीन वो कब बनेगा, वो ज्योमेट्रिक मीन तब बनेगा जब अगर आप उसे ए और बी के दरमियान पुट करें तो जो सीक्वेंस बने वो क्या बन जाए, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बन जाए। अगर ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है आप जानते हैं आर किसके बराबर होगा, जी बाय ए के बराबर होगा, और आर किसके बराबर होगा, यहां से बी बाय जी के बराबर होगा। दोनों आर को आप इक्वल रखें, जब आप उन्हें इक्वल रखेंगे तो जी बाय ए बी बाय जी दिस वर्ड बिकम जी स्क्वेर इज इक्वल टू ए बी एंड जी विल बिकम स्क्वेर रूट ऑफ ए बी विथ प्लस माइनस साइन। ठीक है, ये फॉर्मूला अप्लाई कब होगा, ये फॉर्मूला अप्लाई तब होगा जब आपसे कहा जाएगा कि दो नंबर्स हैं उनके दरमियान आपने ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करना है। देखिए फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 इसका पार्ट नंबर कराता हूँ 1। उसमें जो नंबर्स मुझे गिवन है वो -2 और 8 है। -2 8 ले लें आप नंबर्स, या आप नंबर्स ले लें -2 8, जो मर्जी नंबर ले लें आप लोग। चले मैं इसका सेकंड वाला पार्ट कर लेता हूँ, सॉल्यूशन। नंबर्स क्या है, -2 and 8, दीज आर द नंबर्स। अब मुझे कहा जा रहा है इनके दरमियान ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करें। देखिए ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करने का फार्मूला है प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -2 into 8। अब आप देखिएगा यहां पर ये क्या बन रहा है, दिस इज प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ, ये देखिए ये बनेगा -16 का स्क्वायर, दिस इज प्प्लस माइनस -16 स्क्वायर का मतलब क्या है, ये बनेगा 16 इंप्लाइज ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू प्लस माइनस 4। द रीजन इज दैट कि 16 का रूट बनता है 4, प्लस माइनस आया है ड्यू टू ज्योमेट्रिक मीन, तो देयर फोर ज्योमेट्रिक मीन बिकम्स प्लस माइनस 4। ठीक हो गया जी। अच्छा अब ये तो हमने सीखा ज्योमेट्रिक मीन, अब मैं बात करता हूं ज्योमेट्रिक मीन्स की बात करता हूं। अब ऑफ कोर्स जब ज्योमेट्रिक मीन्स की बात की जाएगी इट मीन्स के वी आर इंटरेस्टेड टू कैलकुलेट मोर देन वन ज्योमेट्रिक मीन। तो मैं क्या करूंगा, देखिएगा मैं लिखूंगा लेट g1 g2 g3 up to so on gn बी एन ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन ए एंड बी। ये ए और बी के दरमियान एन ज्योमेट्रिक मीन्स कब बनेंगे, ये तब बनेंगे जब आप इन्हें ए जी वन जी टू जी थ्री अप टू जी एन बी आप इन्हें पुट करें बिटवीन ए एंड बी, और ये कहाँ स्विच कर जाए, आर इन जी पी। अब ये क्या बने, नाउ दीज जी वन जी टू जी थ्री अप टू जी एन बिकम्स एन ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन ए एंड बी। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर आता है 2, इसके दो पार्ट्स हैं, तो लेट मी स्टार्ट इट्स फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 2 इसका मैंने अब फर्स्ट पार्ट
लिया. गिवन नंबर्स क्या हैं? गिवन नंबर्स आर वो है 1 and 8. ठीक है, अभी 1 और 8 हो या 2 16 हो, बात एक ही है. हमने जस्ट जो करना है वो आपके सामने है. अब कहते हैं फाइंड टू ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन 1 and 8. टू ज्योमेट्रिक मीन्स की वो बात आपसे कह रहा है फाइंड करें. इंसर्ट टू ज्योमेट्रिक मीन्स का मतलब है टू ज्योमेट्रिक मीन्स आप करें कैलकुलेट. तो यहां मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा लेट G1 G2 बी टू ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन व्हाट 1 and 8. दिस इंप्लाइज 1, 1, G1, G2, 8. ये कहां पे स्विच कर जाएंगे? आर इन जीपी. ठीक है, अगर ये जीपी में स्विच कर गए हैं तो इसका मतलब क्या हुआ? गौर से देखिएगा. हेयर A1 किसके बराबर है? 1. ये कौन सी टर्म है? इट्स फोर्थ टर्म. तो A4 किसके इक्वल आ गया? 8 के बराबर. वी नो दैट A4 होता है A1 इंटू आर की पावर 3. A4 इज इक्वल टू व्हाट? 8. A1 इज 1 और आर क्यूब ये बनेगा 2 का क्यूब इज इक्वल टू आर क्यूब. और यहां से मुझे आर की वैल्यू क्या मिल रही है? मुझे आर की वैल्यू मिल रही है 2 के बराबर. ठीक हो गया. अब एक बात आपने ध्यान से देखनी है वो ये, अगर R की पावर आती है ऑड नंबर तो हमेशा याद रखना R की वैल्यू 1 आएगी. बट अगर R की पावर आएगी इवन नंबर तो जितनी R की पावर है उतनी R की वैल्यूज बनेंगी. ये मैंने क्या कहा आपसे, ये मैं आपको जब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको मैं ये बात वहां पे एक्सप्लेन करूंगा. देखिए R बिकम 2 और A1 बिकम 1. आप देखें गौर से देखिएगा G1 किसके बराबर है? G1 एक्चुअली इस प्रोग्रेशन की सेकेंड टर्म है एंड सेकेंड टर्म फाइंड करने का फॉर्मूला होता है A1 into R. अब A1 की वैल्यू कितनी है? 1. R की वैल्यू 2 है. तो दिस इंप्लाइज G1 बिकम्स व्हाट? 2. फिर सिंस वी नो दैट G2 एक्चुअली ये A3 के बराबर है और A3 का मतलब होता है A1 into R स्केल. A1 तो A1 है, R स्केल मीन 2 का स्केल. 2 का स्केल बनेगा 4, 4 इंटू 1, 4. तो G2 की वैल्यू कितनी आ गई है? 4 आ गई है. इसका मतलब आप क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे 2, 4, R required geometric means between 1 and 8. ये इसका सॉल्यूशन आ गया. तो ये मैंने अभी तक 2 क्वेश्चन किए हैं. क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट किया, 2 का फर्स्ट पार्ट किया. 2 का सेकंड पार्ट उसमें क्या डिफरेंस है? 2 के सेकंड पार्ट में नंबर्स 1 and 8 की बजाय क्या है? 2 and 16 नंबर्स हैं. तो आपने यहाँ पे 2 and 16 लिखना है. यहाँ 2 लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे 16. तो A1 विल बिकम 2, A4 बिकम 8. यहाँ पर होगा A4 इज A1 आर क्यूब, यहाँ पे होगा 16, यहाँ पे होगा 2. जब 16 को आप 2 से डिवाइड करेंगे तो वो बनेगा 8 एंड आर क्यूब बिकम 8 या 2 का क्यूब आर बिकम 2. फर्क इतना है कि उस पार्ट में A1 भी 2 के बराबर होगा और R भी 2 के बराबर होगा. तो वो मैंने आपको वर्बली एक्सप्लेन कर दिया है इसका सेकंड वाला पार्ट. सो अब मुझे क्वेश्चन नंबर 3 करना है. वो थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है तो इसलिए मैं ये सारे का सारा बोर्ड इरेज करता हूँ. ये वाला मैंने इसको यहाँ से इरेज किया और उसके बाद मुझे इसे भी अल्टीमेट इरेज करना होगा. अब वहां पे हमें कहा जा रहा है फाइंड 3 ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन 1 and 16. क्वेश्चन नंबर, चलें अब मैं 3 का करता हूं सेकंड वाला पार्ट. सॉल्यूशन, गिवन नंबर्स क्या है? गिवन नंबर्स आर 2 and 32. हमें कहा जा रहा है इंसर्ट करें 3 ज्योमेट्रिक मीन्स. इंसर्ट 3 ज्योमेट्रिक मीन्स का मतलब है कि आपने 3 ज्योमेट्रिक मीन्स कैलकुलेट करने हैं बिटवीन 2 and 32. आप सबसे पहले डिफाइन कीजिए लेट G1, G2, G3,
बी थ्री ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन टू एंड 32 दिस इम्प्लाइज 2 कॉमा जी 1 कॉमा जी 2 और जी 3 फिर है 32 ये कहाँ पे स्विच कर गए हैं आर एन जी पी ठीक है आर एन जी पी इसको थोड़ा सा हम एक्सटेंड करते हैं लाइन को थोड़ा सा यहाँ पे इसको हम यहाँ पे अब लिख सकते हैं ठीक हो गया अगर ये जीपी में है तो स्टार्ट जरा कीजिए हेयर ए वन किसके बराबर है टू के बराबर है और ये क्या बनेगा दिस वुड बी ए फाइव आप लिखेंगे सेंस ए फाइव का मतलब होता है ए वन इंटू आर की पावर 4 ए फाइव की वैल्यू क्या है 32 ए वन की वैल्यू क्या है 2 इंटू आर की पावर 4 आर की पावर 4 है कितना बनेगा ये 16 और यहां पर क्या आएगा आर पावर 4 इज 16 प्रीवियस पार्ट में मैंने आपसे कहा था अगर आर की वैल्यू या आर की पावर ऑड नंबर आए तो आर की एक वैल्यू आएगी अगर आर की पावर इवन नंबर आए तो आर की जितनी पावर है उतनी वैल्यूज इसकी आएंगी और उसको आप लेकर चलेंगे वो कैसे देखिएगा आप इसे लिख सकते हैं ऐसे आर स्क्वेयर इसका होल स्क्वेयर 16 को लिख सकते हैं आप लोग 4 स्क्वेयर इसका होल स्क्वेयर इज इक्वल टू 0 ये बनेगा आर स्क्वेयर माइनस 4 इंटू आर स्क्वेयर प्लस 4 इज इक्वल टू 0 आप देखिएगा आर स्क्वेयर माइनस 4 इज इक्वल टू 0 आर स्क्वेयर इज इक्वल टू 4 एंड आर इज प्लस माइनस 2 फिर आर स्क्वेयर प्लस 4 इज इक्वल टू 0 आर स्क्वेयर इज इक्वल टू माइनस 4 जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको आर की वैल्यू मिलेगी प्लस माइनस 2 आयोटा अब आपने क्या करना है देखिएगा आप यहां पे क्या लिखेंगे आप लिखेंगे जी व्हेन ए इज इक्वल टू कितना है 2 और आर की वैल्यू कितनी है यहां पे आर की वैल्यू भी 2 है देन आपका फर्स्ट जो जी वन है वो जी वन एक्चुअली में ए टू के बराबर और ए टू होता है ए वन इंटू आर और ए वन की वैल्यू कितनी है 2 और आर की वैल्यू कितनी है 2 तो यहाँ पे मुझे जी वन की वैल्यू कितनी मिल गई है 4 फिर जी टू एक्चुअली में ये बराबर है ए थ्री के और ए थ्री होता है ए वन आर स्क्वेयर ए वन टू के बराबर और आर की वैल्यू भी 2 है 2 का स्क्वेयर इज 4 इंटू 2 दिस बिकम 8 फिर सिंस G3 एक्चुअली में क्या है काउंट करिएगा 1 2 3 4 तो G3 मीन फोर्थ टर्म एंड फोर्थ टर्म मीन A1 R की पावर 3 A1 की वैल्यू 2 है और R की वैल्यू भी 2 है तो यहाँ पे मुझे मिला दिस इज 16 अब मैं क्या लिखूँगा इम्प्लाइज 4 8 16 आर रिक्वायर्ड ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन 2 एंड 32 ये मैंने ऐसे क्यों किया मतलब मैंने इतना क्लोज क्यों लिखा बिकॉज मुझे ये 4 टाइम्स ये वाला काम करना है अब मुझे यहां पर क्या करना होगा मुझे लिखना है कि वेन ए इज इक्वल टू 2 एंड आर इज इक्वल टू माइनस 2 देन आपका जो जी वन है वो किसके बराबर है एक्चुअली ए टू के बराबर और ए टू होता है ए वन इंटू आर ए वन वन है और आर है माइनस 1 माइनस 2 तो मुझे यहां से जी वन की वैल्यू मिली है 4 माइनस साइन के साथ जी टू किसके इक्वल होगा जी टू असल में बराबर है ए थ्री के और ए थ्री बराबर है ए वन आर स्क्वेयर के तो 2 इंटू माइनस 2 का ये स्क्वेयर बनेगा एंड जी टू बिकम्स माइनस 4 सॉरी प्लस 4 इंटू 2 दिस बिकम 8 मुझे जी टू मिल गया और फिर जी थ्री ये होगा ए फोर के बराबर और ए फोर है ए वन आर क्यूब के बराबर ए वन की वैल्यू 2 है और R की वैल्यू माइनस 2 इसका क्यूब लूंगा
तो मेरे पास यहाँ पे बनेगा माइनस टू क्यूब माइनस एट इंटू टू इज माइनस सिक्सटीन। तो इसका मतलब क्या हुआ, दिस इंप्लाइज माइनस फोर प्लस एट माइनस सिक्सटीन आर रिक्वायर्ड ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन टू एंड थर्टी टू। अब आपने यहाँ पे क्या लिखना है, व्हेन ए इज टू एंड आर इज टू आयोटा, यहाँ पे क्या लिखेंगे, व्हेन ए इज टू एंड आर इज माइनस टू आयोटा। स्टार्ट करें जी। देखिए ये मैंने आपसे कहा था कि ये आपने फोर टाइम्स ये काम करना है। अब आप यूं कर लें, इसे आप मेरे ख्याल से ब्रैकेट कर लें इसलिए ताकि आपको नज़र आए ये मैंने कहाँ पे लिखा है, ताकि वो इश्यूज ना हो। ये हैं इनके आंसर्स, ठीक हो गया जी। अब देखिएगा हमारे पास G1 किसके बराबर है, इट इज़ इक्वल टू A2, और A2 होता है A1R, A1 है 2 और R है 2 आयोटा। तो यहाँ से मुझे मिला है G1 4 आयोटा के बराबर, ठीक हो गया। सेकंड है G2 विच इज़ A3, A3 मीन A1R स्केयर, A1 है 2 और ये बनेगा 2 आयोटा का स्केयर। 2 आयोटा स्केयर मीन माइनस फोर, माइनस फोर इंटू टू इज माइनस एट। तो मुझे यहाँ से G2 मिलेगा माइनस एट। अब आप G3 फाइंड कर सकते हैं, तो ये क्या बनेगा मुझे देखिएगा, ये बनेगा A4 विच इज A1 R क्यूब, A1 2 है और R क्यूब मीन 2 आयोटा क्यूब। बड़ी कोशिश की पूरा करने की लेकिन नहीं पूरा हो सका। चले अब मुझे मैं इसको इरेज कर देता हूँ सो दैट कि मैं क्वेश्चन को कंप्लीट लिखना चाहता हूँ ताकि आपको समझा सकूँ कि क्वेश्चन कंप्लीट क्या है। तो यहाँ पे G1 की वैल्यू बनी है 2 इंटू ये बनेगा 8 आयोटा क्यूब, और 8 आयोटा क्यूब का मतलब है ये बनेगा माइनस 8 आयोटा। रीजन इज दैट आयोटा क्यूब होता है आयोटा स्क्वेयर इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वेयर मीन माइनस वन। तो यहाँ से देखिएगा G3 क्या बनेगा, माइनस 16 आयोटा। दिस एम्प्लाइज अब फर्स्ट वैल्यू क्या बनी है, वो बनी है 4 आयोटा, फिर है माइनस 8 और फिर आया है माइनस 16 आर रिक्वायर्ड ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन 2 एंड 32। हम यहाँ पे काम कर रहे थे तो ये क्या बनेगा, सिंस G1 होता है A1 into R, A1 2 है और R है माइनस 2, तो मुझे यहाँ से G1 की वैल्यू माइनस 4 आयोटा मिल गई है। अब G2 किसके बराबर है, इट इज़ A3 है A1 R स्केयर, A1 2 है और R हमारा ये बनेगा। लकीली G2 की वैल्यू माइनस 8 ही बन जाती है। रीज़न इज दैट कि माइनस 2 आयोटा का स्क्वेयर भी बनता है माइनस 4। वजह क्या है कि माइनस 2 का स्क्वेयर बनेगा प्लस 4, आयोटा स्क्वेयर बनेगा माइनस 1, प्लस 4 इंटू माइनस 1 इज माइनस 4 एंड माइनस 4 इंटू 2 इज माइनस 8। अब उसकी लास्ट वैल्यू ये मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, लाइन लगा रहा हूँ, बेसिकली इसकी लास्ट वैल्यू मैं यहाँ लिख रहा हूँ। है ये क्वेश्चन का पार्ट लेकिन स्पेस कम होने की वजह से मुझे ऐसे लिखना पड़ रहा है। ए वन इज टू एंड माइनस टू आयोटा का क्यूब, दिस इज टू और ये बनेगा माइनस एट आयोटा क्यूब, इट इज टू और ये बन जाएगा देखिएगा टू इंटू माइनस एट और ये बनेगा माइनस आयोटा, दिस इज टू इंटू एट आयोटा इज बिकम 16 आयोटा। अब मैं क्या लिखूँगा, implies माइनस 4 आयोटा माइनस 8 एंड 16 आयोटा आर रिक्वायर्ड 3 ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन 2 एंड 32। तो देखा आप लोगों ने कि पावर इवन आने की वजह से ये क्वेश्चन लेंथी हो गया। लेंथी क्यों हुआ, एज आई टोल्ड यू कि अगर पावर इवन आएगी तो जितनी पावर होगी उतनी आर की वैल्यूज आएंगी और उतने ही टाइम आपने ज्योमेट्रिक मीन्स फाइंड करने हैं।
एक दफा ये ज्योमेट्रिक मीन ये बने, फिर ये बने, फिर आपके ज्योमेट्रिक मीन्स ये बने और फिर ये बने, तो ये आपको कंप्लीट क्वेश्चन सॉल्व करना है। मैंने इसका पार्ट नंबर सेकंड प्रेफर किया, इसका पार्ट नंबर 1 and 16 होगा। फर्क कितना पड़ेगा, जब आप लिखेंगे A1 तो यहाँ 16 आएगा, A1 आएगा 1 के बराबर, A5 आएगा 16 के बराबर, तो आप लिखेंगे A5 is A1 R की पावर 4, तो यहाँ से आप जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यू विल गेट रिक्वायर्ड टर्म्स। सो इस वीडियो में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कराया, क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट कराया और क्वेश्चन नंबर 3 के मैंने आपको सेकंड वाले पार्ट को कंप्लीट सॉल्व कराया। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके रिमेनिंग क्वेश्चंस सॉल्व कराऊंगा। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू वेरी मच।